अनमैनेज वेब होस्टिंग को कैसे अच्छे से मैनेज करना है फ्लाई डब्ल्यूपी के थ्रू, और क्या फ्लाई डब्ल्यूपी क्लाउडवेज से ज़्यादा अच्छा है एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, आज हम लोग ये जानेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाई डब्ल्यूपी के बारे में। शुरुआत करते हैं समझने से कि फ्लाई डब्ल्यूपी एक्चुअल में करता क्या है। फ्लाईव्हील बेसिकली आपको वर्डप्रेस वेबसाइट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है ऑन टॉप ऑफ अनमैनेज्ड होस्टिंग, जैसे कि डिजिटल ओशन, वल्चर, लिनोड एंड ये जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स रहते हैं अनमैनेज्ड वाले, उसके ऊपर एक ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको फ्लाई डब्ल्यूपी का। तो बेसिकली इट एड्स एज अ प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ अनमैनेज्ड होस्टिंग, ताकि आप लोग अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और उसको मैनेजमेंट इजीली कर पाओ विथ फ्लाई डब्ल्यूपी। ये रहा यहाँ पे फ्लाई डब्ल्यूपी का इंटरफेस। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका सर्वर क्रिएट करना रहता है। सर्वर कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट न्यू सर्वर पे। जिस भी जगह पे आपका सर्वर होस्टेड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ओशन, यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, आई विल सिलेक्ट डिजिटल ओशन। इसके बाद यहाँ पर आपका पहले एक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अकाउंट लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऊपर और सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सर्वर प्रोवाइडर्स, इसके बाद यहाँ पर ऐड प्रोवाइडर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका प्रोफाइल नेम, जो कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, डेमो। और उसके बाद यहाँ पर आपको एपीआई टोकन, अगर डिजिटल ओशन है तो उसकी एपीआई टोकन आपको मिलेगी। वैसे यहाँ पे वर्चुअल के अकाउंट सेटिंग से टोकन लेना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस के लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम लोग डिजिटल ओशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो डिजिटल ओशन पे चले आना। उसके बाद क्रिएट अ डिजिटल ओशन एपीआई टोकन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जिस भी लिंक पे आपको लेके जाएगा। एंड डिजिटल ओशन का इससे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू टोकन, उसके बाद एंटर टोकन नेम डेमो, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे नो एक्सपायरी। फुल एक्सेस देना है ताकि वो आपकी होस्टिंग पे नए सर्वर्स को इजीली क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर पाए। इसके बाद जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। एंड वंस यू गेट दिस टोकन, ये वाला, इसको कॉपी कर देना है, इसको इधर पेस्ट कर देना है, एड क्रेडेंशियल एंड दिस इज एडेड। इसके बाद आपको जाना है क्रिएट न्यू सर्वर पे। यहाँ पे हम लोग डिजिटल ओशन जो हमने अभी कनेक्ट किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तक हमारा कोई सर्वर बना नहीं है, अभी सिर्फ हमने इसको कनेक्ट किया था डेमो के नाम से। जो भी हमारा कनेक्शन है वो है जो डिजिटल ओशन से था। वी विल सिलेक्ट द सर्वर लोकेशन हियर, जैसे कि न्यूयॉर्क में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया भी, बैंगलोर, इंडिया से ट्रैफिक आ रही है तो बैंगलोर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद बेसिक सीपीयू, ठीक है, एंड रेगुलर प्रीमियम इंटेल, अलग अलग प्राइजिंग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये जो प्राइजिंग है, दिस प्राइजिंग इज बींग चार्ज बाय डिजिटल ओशन, ये फ्लाई डब्ल्यू पी की प्राइसिंग नहीं है। इसकी प्राइसिंग फ्लाई डब्ल्यू पी यहाँ पर अपनी एडिशनल प्राइसिंग लगाएगा इसके ऊपर, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको फ्लाई डब्ल्यू पी की प्राइसिंग। हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे, सर्वर होस्ट नेम, ठीक है, आई क्लिक लॉन्च सर्वर। और अब यहाँ पर मेरा सर्वर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिजिटल ओशन पे जा करके वो जो $6 वाला सर्वर है जो मेरे अकाउंट पे यहाँ पर है उसको परचेस करेगा। एंड जो उसकी बिलिंग होगी वो भी यहाँ डिजिटल ओशन पर ही होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सर्वर अपना पहले ही बना दिया था, आई गो हियर एंड यू कैन सी जो है मार्वलस क्रेकन वाला, ये अभी हमने बनाया है NYC वाला। और जो इससे पहले मैंने बनाया था वो था बैंगलोर वाला, जो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। और जो इसकी बिलिंग होगी, जो $6 की जो प्राइसिंग थी, वो डिजिटल ओशन करेगा, फ्लाई डब्ल्यू पी के उसकी बिलिंग नहीं होगी। तो बेसिकली सर्वर बनाने से पहले आप लोगों के पास डिजिटल ओशन का यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग जाओगे तो आपको $200 का क्रेडिट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी है। यू कैन यूज़ दिस $200 क्रेडिट टू सी इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो ये हमारा सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम लोग हमारी बनाएंगे साइट, ये पूरा मैनेजमेंट के लिए। यहाँ से आप लोग अपने पूरे सर्वर को मैनेज कर सकते हो, साइट्स, SSH कीज, डेटाबेस। यहाँ पे PHP डेटाबेस पे आप लोग इसको लॉग इन कर सकते हो। एंड यू हैव क्रॉन्स, फायरवॉल्स, बेसिक सेटिंग्स है जो भी आपके सर्वर के लिए रहती है, रेडिश एंड इंजनिक्स रहता है यहाँ पे। लाइट स्पीड कैश है आपको नहीं मिलेगा, इंजनिक्स मिलेगा। एंड रोड मैप पे है इनके लाइट स्पीड कैश है, देखते हैं कि ये कब आ जाए। और यहाँ पर आपकी बेसिक सेटिंग्स रहेगी, ये IP एड्रेस है जिसके लिए आप लोग, जब आप लोग अपना डोमेन नेम यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको ए नेम सेट करना पड़ेगा, आप लोग जब अपना कस्टम डोमेन नेम यूज़ करोगे। तो साइट्स पे जाते हैं, आई क्लिक क्रिएट न्यू साइट। यहाँ से आपको क्या बनाना है, क्रिएट अ स्टैंडर्ड वर्डप्रेस, मल्टीप्रेस। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट एन इंस्टेंट साइट विथ फ्लाई डब्ल्यू पी टेस्ट डोमेन नेम। यहाँ पर अभी आपको अपना डोमेन नेम यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ दिस हियर, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ kptesthost7.icu। और उसको कैसे सेट करना है, डोमेन नेम को कैसे आप लोग यहाँ पे फ्लाई डब्ल्यू पी पे करोगे, वो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो ए नेम है उसको यहाँ पर अपडेट कर देना है मुझे, डोमेन पे ये डाल देना है और IP एड्रेस पे ये डाल देना है। अगर आपको नहीं पता कि ए नेम वगैरह कैसे अपडेट करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मेरा एक वीडियो है DNS रिकॉर्ड्स के नाम से, वो देख लो, काफ़ी सही वीडियो है। आपको ये सब एक्सप्लेन, ए नेम के आपको सी नेम सब कुछ आपको इजीली एक्सप्लेन कर देगा वो, बहुत अच्छा वीडियो है।
एंड यू गो हियर डोमेन पे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। आई सेलेक्ट दिस और PHP वर्जन 7.4 ये दिखाई क्यों रहा है अब मुझे नहीं पता, बट गो एंड सेलेक्ट द लेटेस्ट वर्जन 8.3 इज रियली गुड। सिलेक्ट दैट, क्लिक नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन साइट टाइटल डेमो साइट, यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड एंड इनेबल फुल पेज कैशे, यू कैन इनेबल दिस, इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर देगा जो आपका डिजिटल ओशन का सर्वर था, दिस वन। इसके ऊपर यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है। यू कैन जस्ट विजिट साइट हियर और ये आपको दिख जाएगी। ये रही आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ये आपका डेमो डोमेन ऊपर है। वी विल गो बैक हियर। लॉग इन करने के लिए यू कैन जस्ट क्लिक हियर WP एडमिन एंड इट विल ऑटोमेटिकली लॉग इन यू। आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट एज अ गुड प्रैक्टिस आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा होना चाहिए। इसके बाद विल गो बैक हियर। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की कैशिंग है, यहाँ पर आपको बेसिक कैशिंग मिल जाती है। इनका ये फास्ट पेज कैश है जो कि फ्लाई WP का ही है, यू कैन यूज़ दिस वन। और ऑब्जेक्ट कैश है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कैश नहीं है मेरे टेस्टिंग में, तो इसको सेव कर लो। बट इसके हिसाब से इसके बाद अपना एक कोई सेपरेट भी यूज़ करो, जैसे कि WP रॉकेट या लाइट स्पीड, दोनों के लिए मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो जाके देख लेना। आपको पूरी कैश सेटिंग्स मैंने उसमें एक्सप्लेन करी हुई है। SSL बाय डिफॉल्ट फ्री आपको मिल जाता है सभी वेबसाइट्स लिए। SSL यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। वर्डप्रेस पे आपको कॉन्फ़िग वगैरह करना है और WP डिस्प्ले PHP एरर्स वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें हैं फॉर डेवलपर्स। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। एंड देन फॉर सिक्योरिटी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इन्होंने यहाँ पे देख के रखा है सिक्योरिटी के लिए। जो सारी चीज़ें यूजुअली हम लोग एक एक्सटर्नल प्लगइन के थ्रू करते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है WP सिक्योरिटी। वर्डप्रेस मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके रखी है, तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी अगर आप लोग जाके देखोगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट इन्होंने जो भी ऑन करके रखा है इट इज़ गुड इनफ, यहाँ पर आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं ईमेल पे, दैट इज़ अ बिग थिंग। ये यहाँ पर आपको ईमेल होस्टिंग नहीं मिलेगी, तो यू कैन यूज़ अ कस्टम SMTP प्लगइन। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, SMTP प्लगइन वगैरह क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। या तो इनसे आप लोग सेपरेटली खरीद सकते हो, पोस्टमार्क, सेंडग्रेड, मेलगन, या फिर कस्टम में आप लोग अपना जीमेल या फिर कहीं से भी जोहो जैसे है, जोहो एक फ्री में अच्छा ऑप्शन है, यू कैन यूज़ इवन जोहो फॉर दिस वन। इसके बाद अपडेट्स में इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट योर प्लगइन्स वगैरह, वो यहाँ से आपको दिख जाएंगे कौन कौन से आपके प्लगइन्स है। इसको यहाँ पे प्लगइन्स ही नाम दे देना था, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर मैनेजमेंट का। बट एनी हाउ फाइल मैनेजर है विच इज़ गुड। फाइल मैनेजर आपको क्लाउडवेज में भी देखने को नहीं मिलता है, बट ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यू कैन सी योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, अगर आपको यहाँ से कुछ अपडेट डिलीट वगैरह करना है तो यू कैन ईजीली डू इट फ्रॉम हियर। देन मैनेज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेटिंग्स नहीं है फॉर योर थिंग। देन बैकअप्स है, बैकअप्स का मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लॉग्स, अगर कुछ यहाँ पे लॉग्स वगैरह किए हों देन आपकी वर्डप्रेस की सेटिंग्स आ जाती है। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो, कौन सी PHP है, मेमोरी लिमिट चाहो तो बढ़ा सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैशे का भी यहाँ पर ऑप्शन है, जब आपकी वेबसाइट अच्छे से डेवलप हो जाए तो उसको ऑन कर दीजिएगा, इट इज़ रियली गुड। एंड देन यहाँ पे क्लोन साइट का भी ऑप्शन है, हालांकि जो क्लोन साइट का फीचर है वो इतना अच्छा नहीं है, इसको स्टेजिंग बोलते हैं। स्टेजिंग यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है जितनी क्लाउड वेज और बाकी मैनेज होस्टिंग ऑप्शन में आपको मिल जाती है, इट इज़ जस्ट डिसेंट इनफ। तो अगर स्पीड और अप टाइम और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो आपको हमेशा अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर डिजिटल ओशन का सर्वर यूज़ कर रहे हो, जो कि मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी भी वेबसाइट डिजिटल ओशन के सर्वर पर ही होस्टेड है, तो सिंस यू आर यूजिंग दैट, अप टाइम आपको अच्छा मिलेगा, स्पीड अच्छी मिलेगी, डिपेंडिंग कि आप लोग कितना अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। बट परफॉर्मेंस आपको फुल नॉच मिलेगी वेन यू आर यूजिंग दिस सर्विस। अब इसमें एक चीज़ थी, वो था बैकअप का। इनके पास बाय डिफॉल्ट बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बैकअप प्रोवाइडर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए यू नीड टू गो हियर ऐड न्यू, और ये अमेजोन S3, डिजिटल ओशन क्लाउडफ्लेयर या फिर गूगल क्लाउड स्टोरेज, ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपके सर्वर पे इसकी कॉस्ट नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल ओशन के बारे में बात करूँ तो आई विल गो हियर, ये रहा मेरा स्पेस। पहले मुझे यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी, स्पेस के लिए मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे $5 पर मंथ देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोरेज दैट आई एम यूजिंग। $5 पे करने के बाद मुझे यहाँ पर इसकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, जो कि यहाँ पर मिल जाती है डिजिटल ओशन के अंदर आपको मिल जाएगी। यू नीड टू कनेक्ट दैट, आई विल गो बैक हियर, आई क्लिक ऐड प्रोवाइडर। अब यहाँ पर मैं बैकअप के लिए ऐड हुआ है एंड अब यहाँ पर मैं इस पर बैकअप ले सकता हूँ। आई हैव एडेड बैकअप प्रोवाइडर, आई विल गो टू साइट्स, आई विल गो बैक हियर, आई विल गो टू बैकअप्स, आई विल गो बैकअप सेटिंग्स, कौन से स्पेस पे मुझे लेना है, माई बकेट, माई बकेट, ठीक है, कौन से रीजन में जाएगा ये, बैंगलोर में कर देते हैं। बैकअप रिटेंशन आपको कब लेना है, बैकअप फ्रीक्वेंसी डेली, रोज 12 बजे इसका बैकअप ले लो, सेव बैकअप ऑप्शंस, ठीक है। जो मुझे फ्लाई WP में सबसे अच्छा लगा है वो ईज ऑफ यूज़। अगर आपको अनमैनेज होस्टिंग को मैनेज करना है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टूल अवेलेबल राइट नाउ।
अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्लाउड बेस से क्या ये अच्छा है और क्या क्लाउड बेस को रिप्लेस कर सकता है, तो इसका शॉर्ट में आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाउड बेस एक बेटर प्लेटफॉर्म है ओवरऑल। आपको वहाँ पे सपोर्ट, फंक्शनैलिटी, स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी, सर्वर बनाना, डिस्ट्रॉय करना, पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट, फीचर्स, इंटीग्रेशन, क्लाउड फ्लेयर, CDN, जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेटर है यहाँ पर क्लाउड बेस का, इनफैक्ट किसी भी मैनेज होस्टिंग का। तो फ्लाई डब्ल्यू पी कैन नॉट रिप्लेस एनी मैनेज होस्टिंग आउट देयर। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई डब्ल्यू पी पे आपको नॉलेज चाहिए रहेगा सर्वर साइड का भी, कि कैसे कनेक्ट करना है, API कैसे काम करती है, परमिशंस कैसे काम करती है। जैसे कि ये है यहाँ पर, मैंने अभी जैसे आपको बताया था हमने बैकअप के लिए क्रिएट किया था, अभी बैकअप नहीं हो रहा है, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे परमिशन का एरर है, तो यहाँ पे मुझे परमिशन का एरर वहाँ पे जाके ठीक करना पड़ेगा। ये सब आपको समझ में आना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ फ्लाई डब्ल्यू पी। प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनका ग्रोथ प्लान है वो है $19 का। हॉबी प्लान है जिसमें आप लोग एक सर्वर बना सकते हो, लेकिन इसमें बैकअप की फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी, वो रहेगा $9 का। आई विल रिकमेंड $19 प्लान, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी लाइफ टाइम डील भी चल रही है ऑन ऐप सुमो। वी विल गो हियर, आई गो व्यू प्लान डिटेल्स, हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे। एंड जो इनका 10 सर्वर वाला प्लान है वो है $149 का फॉर लाइफ टाइम, विच इज़ अ गुड डील। तो क्या ये वर्थ इट है $149 में और ये रेगुलर प्राइसिंग में? देखो, इफ़ यू आर इन टू शेयर्ड होस्टिंग या फिर मैनेज होस्टिंग, तो आई वोंट रिकमेंड दिस ऑप्शन राइट नाउ। वो ज़्यादा बेटर और इजी टू यूज़ ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन टू अनमैनेज होस्टिंग, आप डिजिटल ओशन यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी VPS यूज़ कर रहे हो, एंड यू आर हैविंग योर ओन पैनल ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड यू आर इन टू वर्डप्रेस, देन दिस इज समथिंग यू शुड ट्राई। इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज किंस्टा, ये एक बीच का ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ऑन टॉप ऑफ योर अनमैनेज होस्टिंग टू मैनेज इट ईजिली, तो एक ये काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है। या फिर इफ़ यू आर इन टू ट्रांजिशन पीरियड, कि अब आपको मैनेज से अनमैनेज में जाना है क्योंकि उसकी शायद से कॉस्ट आपको ज़्यादा लग रही है, तो भी यू कैन ट्राई दिस आउट। ट्राई करना मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी कर दिया है। डिजिटल ओशन पे आपको यहाँ पे $200 का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा और फ्लाई डब्ल्यू पी पे 60 डे की रिफंड पॉलिसी है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको जाना है अनमैनेज में कि नहीं जाना है, दिस इज अ गुड ऑप्शन टू ट्राई राइट नाउ। So that is it from this one. कुछ questions हो you can comment it down in the comment section below. And video को thumbs up जरूर दीजिएगा, it really helps me a lot. And I'll see you guys in the next one. Bye bye.